फोड़ मार गया। नेड है भाई। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइज इस मैच को रिकॉर्ड करने के लिए मतलब कोई अच्छा गेम प्ले, ऑफकोर्स वाई नॉट, तो कोई अच्छा गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए हमको 15 से 20 मैच खेलना पड़ता है, उसके बाद कहीं एक जाके मैच अच्छे से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इस मैच में थे गाइज मैं और कैप्टन और बाकी दो रैंडम्स थे, वो भी हिंदी बोलने वाले नहीं भाई, वो भी इंग्लिश और तमिल बोलने वाले। तो हमारे पास डिसएडवांटेज था कि भाई हम कैसे कॉल देंगे उसको, तो बट ठीक था, इंग्लिश तो बोल रहा था, तो हमने इंग्लिश उनसे मजे में बात कर रहे थे, थोड़ा कॉमेडी कंटेंट बनाने के लिए इंग्लिश में थोड़े मजे में बात कर रहे थे। कैप्टन तो और भी ज़्यादा तोड़ मरोड़ के बात कर रहा था मजे में, ठीक है, इंग्लिश की मतलब फुल बैंड बजा रखी थी। चलो गाइज आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, अभी बोल देता हूँ, एंड लाइक एंड अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, एंड फेसबुक भी लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइज चलो आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय करो, आप लोग अभी वीडियो पॉज करके बता दो क्या मैं अपार्टमेंट से बच के निकल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट कूद रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा किल्स से तो ऑफकोर्स अपार्टमेंट कूदना पड़ता है, या फिर जोड़ दो या मिलिट्री बेस, तो प्लेन पास ज़्यादा अच्छे जगह से नहीं था, मेरे को लगा कि ऑफकोर्स यहाँ जाना चाहिए अपार्टमेंट, यहाँ के ज़्यादा किल निकलेंगे, अब वो होता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बट आप लोगों को क्या लगता है कि जिंदा बचूंगा कि नहीं, देख लो पूरा वीडियो, ठीक है। नहीं रे तू जाके तू लूट, तू जाके लूट बिल्डिंग लूट, गन वन दो गन उठाई कर दियो भाई। यहाँ पे मैं अपने आप को हैकर समझता हूँ, पिस्टल से इतनी दूर मारने की ट्राई कर रहा था, मैं सोचता कहीं नॉक हो जाए मजा आ जाए, बट पिस्टल इतना दूर रजिस्टर नहीं होता, तो मैं अपने आप को हैकर समझ रहा था एक टाइम पे कि काश मैं मार दूँ, तो अगर इसी में मैं कूद जाता दूसरे बिल्डिंग में, क्योंकि यार लूटना है मेन इंपॉर्टेंट है बीजे में। अगर तुम गेम खेल रहे हो तुम ना लूटो तो भाई तुम्हारे पास वेस्ट हेलमेट नहीं था, तब तो तुम एक गोली में मर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं आता हूँ लूटने के लिए इधर पे, और इतने में ही क्या होता है, हमारा एक टीममेट जो होता है वो हो जाता है नॉक, मतलब जो सामने वाली टीम थी वो एक्चुअली एक स्पाइडरमैन टीम थी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझ ही आ जाएगा, देखो इस वीडियो को मज़ा आएगा भाई आप लोग को। ब्रो फोन नंबर इज वेरी ब्रो, यू नीड टू हेल्प। Marked a location. तो गाइस ये थी फुल टीम स्पाइडर मॉन, लाइक मतलब क्या ही मतलब कूद रही थी भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा था। और भाई मतलब ये टीम फुल मतलब बेस्ट तरीके से खेल रही थी, फुल कॉम्पिटिटिव लाइक टीम थी, क्योंकि भाई अपने टीममेट्स को मरने देने नहीं चाह रही थी, फुल कवर फायर आ रहा था इनकी तरफ से, बिल्कुल अच्छा खासा खेल रही थी, ठीक है, अच्छी टीम थी, ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत बेकार खेल रही, अच्छी टीम थी, बस पता नहीं स्पाइडरमैन बनने का ज़्यादा ही कुछ था, क्योंकि ट्रेलर रिलीज हुआ आएगा दैट्स व्हाई मे बी हो सकता है, बट मेरे को यहाँ पे एक हेड दिखता उसके दूसरे बंदे का, बट मैं मारने की ट्राई करता हूँ, बट नहीं लास्ट बंदा था, क्योंकि मैं तीन बंदे इनका मार चुका था, मुझे पता था, तो मैंने कहा कि लास्ट ही बंदा है कैप्टन, फिनिश कर इसको। फिर क्या था भाई, लास्ट बंदा देख के मैं और कैप्टन कर गए पुश भाई फुल, फिर तो भाई बंदा देखना कहाँ किस तरीके से, भाई समझ ही नहीं आता कि भाई किस तरीके से मिनी फोर्टिन लेके बैठा हुआ था, गाइस देखो इस रूम में था और चला भी रहा था, फ्री फायर कर रहा था भाई, इसको तो बिल्कुल लेगा, बट मैं भी थोड़ा लो एचपी हो गया था, कि मिनी का डैमेज ज़्यादा होता है, आप लोग को आगे पता चलेगा कितना डैमेज होता है, अभी थोड़ा सा देखो फिर पता चलेगा मिनी ने क्या जान बचाई भाई मेरी। ओए व्हाट द फक, ओ भाई फोड़ मार गया, गेट गोल करनी है मेरे को, अरे बचा लो भैया बचा लो भैया। फिर इतने में पता चलता है कैप्टन बोलता है कि भाई एक और टीम पुश कर चुकी है भाई स्कूल से, भाई स्कूल वाली टीम बिल्कुल पुश कर चुकी थी टेड हाउस में, मैंने कहा रुको भाई इनकी तो बैंड बजानी पड़ेगी, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई टीम अच्छी है, थोड़ा कंट्रोल कर लिया सीख,
तो गाइस मैं कर जाता हूँ रश डायरेक्टली एक एम लेकर और एक एम पीक करके मारने की ट्राई करता हूँ। और भाई और भाई वो बंदे कैसे दोनों के भाई वो कैसे छोड़ सकते थे कि पुश ना हो कैसे ना करें कि चार बंदे हैं और दोनों के भाई तो उनके पास ही एडवांटेज था कि भाई पुश अगर अभी नहीं करेंगे ना भाई तो कभी नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने पुश किया, अब देखो मैं बचता हूँ या नहीं। इनका एक बहुत प्यारा क्लच 1v4 दोबारा। तो गाइज मैंने नो किल कर दिए थे, बहुत अच्छा मैच जा रहा था। और आप लोग ये सोच रहे होंगे इतनी बार लेट क्यों रहा था, जबकि एचपी तो अच्छी खासी थी तो भी लेट लेट के मार रहा था रिवाइव होने के बाद। क्यों? बिकॉज एक रीजन था उसके पीछे गाइज, आप लोग फोकस करो ध्यान से। मेरे पास उस टाइम वेस्ट नहीं था, अगर आप वीडियो पीछे करके देख लो यार, अब तो मैं इमोट कर रहा हूँ वेस्ट वेस्ट पहन के, तो उस टाइम मेरे पास वेस्ट नहीं था, मैं पूरे मैच में मिला ही नहीं था वेस्ट, ठीक है। तो गाइज इसलिए मैं हेलमेट पर गोली खा रहा था ताकि मेरे बॉडी पे ना लगे, हेलमेट पर तो भी बच जाऊंगा थोड़ा बहुत, इतने में मार दूंगा उनको। तो ये था थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो खेलते वक्त, ठीक है। छोटे से यूट्यूबर का छोटा सा टिप एंड ट्रिक। और बहुत लोग कहेंगे भाई हेलमेट हेड पे तो ज्यादा गोली पड़ती है, लेकिन भाई जो तुम्हारे पास वेस्ट ना हो ना तो हेड पे खा सकते हो तुम ऑफकोर्स। तो गाइस फिर क्या था, हमारा टीम खत्म करके हम जाते हैं जंगल के पार और नदियों के पार, ठीक है। तो गाइस फिर इतने बंदे ढूंढने के लिए, बट हमें क्या होता, कोई नहीं मिलता भाई, पूरे मैप में ढूंढ रहे होते हैं। एंड गाइस मेरे थोड़ी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा भगुतना पड़ता, भगुतना जो भी व्हाटएवर इज इट। तो गाइस मैंने ये गलती कर दी यहाँ पे गाड़ी ठोक के ना, जैसे गाड़ी ठोका मैंने कहा मेरी एचपी कम हो गई, कैप्टन तू गाड़ी चला, मैंने सो गाड़ी देखा सबसे बड़ी गलती करी। आप लोग देखो क्या गलती करी, आगे लगा लगा अरे पीछे बंदे आ गए, ये पीछे बंदा पत्थर पे, कहीं भी तो गाड़ी रोक देते हो। स्मोक करके मेरे पास जल्दी स्मोक बोल, वाह इधर इधर से भी रश होगा, उधर से भी रश होगा। गाड़ी तो रोक दिया, गाड़ी बग्गी के पीछे लगानी होती क्या कैप्टन? इधर से गेम खेल रहा, गेम का बिल्कुल सेंस ही नहीं है भाई, माँ कह सुन भाई कैप्टन यार क्या बोलूँ भाई। तो गाइस कैप्टन की इतनी बड़ी गलती भाई साहब, मतलब यार गाड़ी चला रहे हो तुम, गए गाड़ी के पीछे लगाना चाहिए गाड़ी, ऐसा नहीं है गाइस। अब वीडियो में देख रहे हो तो मैं खुद तो उतरा, बट गाड़ी ठुक गई थी वहाँ पे, फटाक से माइंड कम कर जाता है अगर आप गेमर हो तो एक बहुत अच्छे खासे, ठीक है। मैं खैर अच्छा खासा नहीं हूँ बट ठीक था जो भी था। तो गाइस हम आ चुके हैं एक और नए गेम में। तो गाइस ये भी छोटा सा ही गेम है, इसमें भी चिकन नहीं निकाल पाए पहले ही बता देता हूँ आप लोग को, बट थोड़ा बहुत देखो इसमें क्या हुआ क्या सीन नहीं, ठीक है। इस बार हम जाते हैं जोर्जो पूल, हम खेल रहे थे इस बार अखिलेश के साथ विद टू रैंडम्स, ठीक है। कैप्टन क्योंकि चला गया था कहीं पे, तो मेरे को कोई ना कोई तो चाहिए भाई, कोई अपना बंदा जो सपोर्ट कर सके, ठीक है। सोलो वर्सेस स्क्वाड का भी वीडियोस डालेंगे कुछ दिनों में होपफुली। अरे गाइस हर वीडियो में ऐसा नहीं है कि भाई मैं चिकन अच्छे खासे निकालूंगा, तो गाइस कुछ गेम प्ले दिखाने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि हर चिकन दिखाने के लिए भाई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। चिकन वैसे ही निकल जाता है कभी 15-15 किल पर जो रिकॉर्डेड नहीं होता मैच, कभी 20-20 पे फोन अच्छा नहीं है, तो दैट्स व्हाई गाइस जब रिकॉर्ड नहीं करता तो अच्छा खेल पाता, जब रिकॉर्ड होता तो फोन थोड़ा बहुत हीटअप होता है। बट आप लोग मुझे पता है आप लोग समझ सकते हो क्योंकि सबके पास अच्छा फोन है। तो गाइस हम लैंड कर रहे होते हैं जोर्जो में, फिर आप देखो इसके बाद क्या हुआ बहुत मजा आता है। मेरे दरवाजा अखिलेश उधर फाइट मत, इधर नेते बंदे इधर जल्दी आ। गाइस फिर मैं कॉल देता हूँ कि भाई इधर जस्ट बंदे लैंड किया, मेरे को M4 मिल चुकी थी, मैं क्यों नहीं आता। और भाई दूर से स्प्रे आता है क्योंकि जोर्जो पुल में कंटेनर के ऊपर मत रहा करो गाइस, कभी बहुत गंदा पिलते हैं भाई, मतलब जान बची तो लाख हो पाए। और मेरे को 2 लेवल का हेलमेट मिल गया, खैर वेस्ट हेलमेट डैमेज नहीं हो क्योंकि मेरे हेड पे गोली पड़ा था, सो दैट्स व्हाई मैं ना हेलमेट डैमेज है ना वेस्ट, सब कुछ फ्रेश अपने पास। फिर अपन जाते हैं हील विल करते हैं। जितने में अखिलेश का कॉल आता भाई मेरे पास पूरी स्क्वाड एक पुश कर रही है, तो मैंने कहा तू होल्ड कर, मुझे पता है कि फर्स्ट एड ऊपर पड़ा कंटेनर के, मैं उठाऊंगा और हील करूंगा, बस जस्ट भग के आऊंगा भाई, बस फर्स्ट एड उठाता हूँ एंड हील करता हूँ, मैं फटाफट भग के जाता हूँ उसके पास। और भाई वो मोसिन से बंदे मार रहा था भाई लिटरली,
उसका M4 उठाना, ठीक है अखिलेश? आराम से उठाना, लेकिन वो गोली मारेगा पहले। पेन किलर ले लो, हीलिंग नहीं है तो। एंड गाइस बस अखिलेश को रिवाइव देके फुल रोटेशन मार देते, और मुझे बाद में रियलाइज होता है कि हमारे पास भी एक टीम है जो उधर फाइट ले रही है। मुझे बाद में पता चलता है, फिर मैं देखता हूँ वही टीवी भी ले रहा बंदा, फिर मैं उसको मार देता हूँ। देन उसका दूसरा बंदा जो पुश मार देता है मुझ पे, पता नहीं क्या सोच के पुश मारता है, कुछ भी नहीं भैया, नहीं कि मेरे बंदे को रिवाइव दे लो नहीं, बट पुश मारता है अखिलेश ने, फाइनली इसको मार दिया। मेरे को भी किल मिल जाता है कि दो ही बंदे बचे थे, कि दो बंदे ऑलरेडी मार चुका था, एक अखिलेश ने, कि मैंने तो दो हो चुके थे और बचते अब सामने वाले बंदे। भाई देखो क्या गंदा मारते हैं इन लोगों को, मजा आएगा। जरा कर वो पकड़ेगा उसको जल्दी, जरा कर देख ले पकड़ेगा, क्योंकि बिना पकड़े मर जाएगा वो, बहुत तो था। आखिरी कहाँ है? आखिरी इधर है, इधर ही है, जल्दी इधर, इधर ही है। रुको जरा, सबर करो।